आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक। ओके, कल हम सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या था, इंडियन स्टैटिक्स के बारे में। ओके, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, कल हम आपको सिलेबस सारा डिटेल डिस्कस किए थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाके इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिलेबस पूरा डिटेल डिस्कस कर किया गया था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैटिक्स के बारे में। ओके, इंडियन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन स्टैटिक्स का मतलब क्या क्या होता है, मतलब क्या है, एंड और डिस्कस करेंगे अबाउट फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। इंडियन स्टैटिक्स, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है, एंड अबाउट फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। जब इसके पहले जब हम लोग स्टैट्स पढ़ते थे, ओके, मींस जब हम पढ़े थे, तो उसमें अबाउट द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में नहीं दिया था। ये जो टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत न्यू ऐड हुआ है। ओके, तो ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टॉपिक है न्यू एडेड टॉपिक है। ओके, तो जो ये टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन जब आप फ्यूचर में एमकॉम कंप्लीट कर लेंगे, नेट का पेपर देंगे, नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तो हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फोटो दिया हुआ है, ये जो फोटो है किनका है, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का ये फोटो है। ओके, फोटो ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। प्रशांत महालनोबिस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, केवल अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तब आप प्रोफेसर महालनोबिस जी का नाम मत लिखिएगा, ठीक है। फादर, वो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स हैं, ठीक है, इंडियन स्टैटिक्स के फादर हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्टैटिक्स के नहीं, ठीक है। स्टैटिक्स के बारे में हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टैटिक्स के बारे में। महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, उनका पूरा क्या नाम है, पूर्व में प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। ओके, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, जिनका क्या नाम है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ओके, हमेशा आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 29 जून 1893। पीसी महालनोबिस, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीसी, ठीक है, प्रशांत चंद्र नहीं, ठीक है, शॉर्ट में पीसी महालनोबिस। तो इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि पीसी महालनोबिस जी का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, तो आंसर क्या है, 29 जून 1893 को हुआ था। अब यहाँ दिया है कलकत्ता, अब कोलकाता, ठीक है। पहले हम बोलते थे स्पेलिंग कैलकटा बोलते थे, ठीक है, अब क्या हो गया है, अब कोलकाता नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया है कलकत्ता, अब कोलकाता। ओके, इनकी मृत्यु कब हुई थी,
28 जून 1972। ओके, पीसी महालनोविस जी का जो डेथ हुआ था कब हुआ था, 28 जून। ये बहुत इजी है याद करने के लिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर 20 दोनों जून है, ठीक है। यहाँ पर उनका जन्म 29 जून को हुआ था और डेथ 28, ठीक है। तो सिंपल सा आप ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। भारतीय सांख्यिकीवाद, इंडियन स्टैटिस्टिक, ठीक है, जिन्होंने महालनोविस दूरी तैयार की, इन्होंने क्या किया था, महालनोविस दूरी तैयार किया। और भारत में औद्योगीकरण, औद्योगीकरण की रणनीति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम दिया हुआ है, कार्यकाल दिया हुआ है। पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुआ था, 1951 में शुरुआत हुआ था। तो 1951 में तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 1956 से 1961 तक था। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि महालनोविस डिस्टेंस दूरी तैयार किया और भारत में औद्योगीकरण की रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब औद्योगीकरण का मतलब क्या होता है, औद्योगीकरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। कुछ कुछ छोटा छोटा हिंदी वाला वर्ड है, उसका आप लोग इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए ताकि समझने में आसानी होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री शब्द जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, औद्योगीकरण में भी उद्योग। तो हमारे देश में पहले क्या था, औद्योगीकरण धीमी गति से हो रहा था, ठीक है। तो औद्योगीकरण की नीति, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। आगे इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से उनके बारे में दिया हुआ है कि उनके कब इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो जन्म के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, कलकत्ता में हुआ, ठीक है। और डेथ के बारे में भी डिस्कस कर दिए हैं। और वो मतलब उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, उनकी बेसिक एजुकेशन, उनकी जो बेसिक एजुकेशन है कलकत्ता से हुई है, ठीक है। कलकत्ता से ही उनकी बेसिक एजुकेशन हुई है और वो क्या पढ़े थे, बीएससी किए थे, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे दिया है, अकादमिक रूप से उन्मुख परिवार में महालनोविस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, अभी इसके पहले हम बेसिक एजुकेशन की बात किए हैं, तो टॉपिक यहाँ पर आ गया ना बेसिक एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो हम सारा कुछ इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अकादमिक रूप से उन्मुख परिवार में जन्मे महालनोविस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में सम्मान के साथ प्राप्त किया। तो उनका बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से ही हुआ था। ओके, भौतिक विज्ञान प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से 1912 में स्नातक होने के बाद वे भौतिकी के अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। मतलब जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट हुआ, कॉलेज का नाम भी दे दिया है, देखिए भौतिक विज्ञान प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये कहाँ पर है, कलकत्ता में ही है। ओके, तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। ओके, गांधी जी भी इंग्लैंड ही गए थे, क्यों गए थे कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। 1915 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित पढ़ने के बाद महालनोविस के विश्वविद्यालय छोड़ने से ठीक पहले उनके एक शिक्षक ने उन्हें स्टैटिस्टिक्स, यहाँ सांख्यिकी लिखा हुआ है ना, सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, तो 1915 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वो पढ़ने कहाँ गए थे, पीसी महालनोविस जी इंग्लैंड गए थे। तो किस कॉलेज में एडमिशन लिए थे,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ओके तो दिया है 1915 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित पढ़ने के बाद महालनोविस के विश्वविद्यालय छोड़ने के ठीक पहले उनके एक शिक्षक ने उन्हें स्टैटिक्स से परिचय कराया। जब वो कॉलेज को छोड़ रहे थे, मतलब वहाँ से उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो कॉलेज छोड़ने से पहले उनके एक टीचर ने उनको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, ओके? जब वे भारत लौटे तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी पढ़ाने के लिए एक अस्थाई पद स्वीकार किया। फिर जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो वो फिर वो इंडिया लौट आए, ठीक है। जब वे भारत लौट आए तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी पढ़ाने के लिए, मतलब किस कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक अस्थाई पद स्वीकार किया, मतलब वहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने के लिए नियुक्त हो गए। और 1922 में वहाँ भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। मतलब जब वो इंग्लैंड से इंडिया आए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो क्या हुए, अस्थाई पद स्वीकार किया, और वहाँ पर 1922 में वो क्या बन गए, भौतिकी के प्रोफेसर बन गए, ओके? कौन बन गया भौतिकी का प्रोफेसर, पीसी महालनोविस, ओके? अब उनके बारे में आगे दिया हुआ है। हालांकि सांख्यिकी में उनकी रुचि एक गंभीर शैक्षणिक खोज में विकसित हुई थी, तो उनके टीचर ने क्या किया था कि उनको स्टैटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। जब उनको स्टैटिक्स के बारे में बताया तो वो मतलब उसके बारे में खोज वो करने लगे। तो दिया है, हालांकि सांख्यिकी में उनकी रुचि एक गंभीर शैक्षणिक खोज में विकसित हुई थी, वहाँ उन्होंने समस्याओं के लिए सांख्यिकी विधियों को नृविज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान के रूप में लागू किया। 17 दिसंबर 1931 को उन्होंने कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा MCQ क्वेश्चन, ठीक है, कि उन्होंने कब और कहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, ठीक है। तो 17 दिसंबर 1931 को पीसी महालनोविस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, ओके। अब क्या क्या वो काम किए हैं उसके बारे में दिया हुआ है, मतलब महालनोविस क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम किए हैं। अब दिया है कि महालनोविस ने 2 डेटा सेट के बीच तुलना का एक उपाय तैयार किया। क्या काम किए थे, 2 डेटा के बीच में कंपेयर। अब डेटा क्या है, अब हम ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो स्टैटिस्टिक्स में आपको पता चला कि सांख्यिकी के बारे में, कि जैसे जैसे पीसी महालनोविस को उन्होंने सांख्यिकी के बारे में परिचय कराया, तो आपको कुछ पता चला स्टैटिक्स के बारे में, सांख्यिकी शब्द सुने, ठीक है। तो हम आपको पूरा डिटेल स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है, हम आपके टीचर हैं तो आपको पूरा डिटेल स्टैटिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर बस दिया है, महालनोविस ने 2 डेटा सेटों के बीच तुलना का एक उपाय तैयार किया, जिसे क्या बोला जाता है, महालनोविस दूरी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसे महालनोविस दूरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण, ये भी यहाँ पर नाम आ रहा है, बस सुन लीजिए आगे, इसके बारे में पूरा डिटेल चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है। नमूना को बोलते हैं सैंपल, ठीक है, सर्वेक्षण को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन।
तो आपका थर्ड या फोर्थ चैप्टर है सैंपल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो उस टॉपिक में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो दिया है उन्होंने बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए नवीन तकनीकी की शुरुआत की, और यादृच्छिक नमूनों की विधि का उपयोग करके रकबे और फसल की पैदावार की गणना की। अब आपको फिर से यहाँ पर आ गया होगा नाम यादृच्छिक, कठिन सा नाम है, ठीक है। यादृच्छिक नमूनों की विधि का उपयोग करके रकबे और फसल की पैदावार की गणना की। तो जब हम नमूना चैप्टर पढ़ेंगे, सैंपल चैप्टर पढ़ेंगे, ये जो यादृच्छिक नमूना दिया है ये सैंपल का टाइप्स है। सैंपल कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है हमारा रैंडम सैंपलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये जब हम टॉपिक सैंपल डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन्होंने एक सांख्यिकी विधि तैयार की। यहाँ पर तो आपको पता लगा कि महालनोविस दूरी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब आगे दिया है उन्होंने एक सांख्यिकी विधि तैयार की, ठीक है, सांख्यिकी विधि तैयार की जिससे फ्रैक्टाइल ग्राफिकल विश्लेषण कहा जाता है। एक मेथड की खोज किया उन्होंने, क्या किया, एक सांख्यिकी विधि तैयार किया जिसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्टाइल ग्राफिकल विश्लेषण कहा जाता है। आप अपने कॉपी में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि वो क्या क्या काम किए, ठीक है। तो दिया है कि उन्होंने एक सांख्यिकी विधि तैयार किया जिसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्टाइल ग्राफिकल विश्लेषण कहा जाता है, जिसका उपयोग लोगों के विभिन्न समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। और क्या काम किया उन्होंने, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ तो आप जानते होंगे, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण के लिए आर्थिक नियोजन के आंकड़े को भी लागू किया।